हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल बटन नोटिफिकेशन कर दें। तो आज हमारा टॉपिक ये है कि हाउ टू गेट अ जीपीएम और पाइप साइज इन चिल वाटर्स। चिल वाटर में हम जो है जीपीएम किस तरह निकालते हैं इक्विपमेंट्स का, और आप कह लें कि जो है पाइप साइजिंग चिल वाटर में किस तरह करेंगे। तो दोनों टॉपिक हम कवर करेंगे आज। सही है, तो सो सिंपल है, ये जीपीएम का फार्मूला आप देख लें। ठीक है, जीपीएम टनेज इनटू 12,000, ठीक है, डिवाइड बाय द 500 एक्स डेल्टा टी। ओके, अगर हम 500 को यहाँ से कट कर दें तो ये हमारे पास बच जाएगा टनेज आपके पास इंटू 24। ठीक है, 500 यहाँ से गया इसमें, तो ये डेल्टा टी बन जाएगा। ठीक है, अब ये टनेज हमारे पास क्या है? टनेज हमारे पास आपको पता है जो एफ सी यू या AHU में जो हमारे पास वैल्यू है हम उसको निकालेंगे। टनेज निकालने के लिए एफ सी यू में, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक FCU 5 टन का लगाया है। अच्छा, चिल वाटर सप्लाई ये लाइन ये है, तो इसमें 45 जो है आपके पास फॉरनहाइट पे वाटर जा रहा है, जिसको हम तकरीबन 7 सेल्सियस कह लें। ठीक है, फिर ये वापस आ रहा है यहाँ से, ठीक है, 55 फॉरनहाइट पे। ठीक है, तो इस दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है और जो डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा टी के लिए चिल वाटर रिटर्न और सप्लाई, तो रिटर्न हमारे पास जो है 55 है, सप्लाई 45 है। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे, 55 और 45 को, तो हमारे पास 10 फॉरनहाइट आ जाएगा। तो हमारे पास सारी वैल्यू आ गई है, तो ये TR हमें पता है कि हमारे पास 5 टन का है ये। ठीक है, ये TR हमारे पास टनेज है, ठीक है, 5 टन का है, तो 5 टन हमने 5 टन यहाँ लगा दिया, 5 टन। ठीक है, और 24 हमारे पास जो है यहाँ फार्मूले में था, हमने इसको गेट किया इस तरह, 24 ये फार्मूले में आ गया, और डेल्टा टी हमारे पास हमने निकाल लिया है जो 10 फॉरनहाइट्स में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया, तो 5 × 24 × 10, तो हमारे पास जो GPM है वो तकरीबन 12 GPM आ गया। ठीक है, तो अगर 5 टन का AC होगा तो उसका GPM हमारे पास आ जाएगा 12 GPM आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक आपको थंब रूल मैं बता दूं कि 1 टन हमारे पास 2.4 GPM होता है, याद रखिएगा, 1 टन इज इक्वल टू 2.4 GPM, ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। आप इसको कैलकुलेट कर लें, अगर हमारे पास 100 टन का होगा तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो वो आपके पास आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे अभी 5 टन का निकाला तो हमारे पास तकरीबन 12 आ गया, अगर ये 50 टन होगा तो ये हमारे पास 120 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर ये 10 टन होगा तो ये हमारे पास 24 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह यानी 10 टन यहाँ कर दें तो ये 24 आ जाएगा, हमारे पास डबल हो जाएगी वैल्यू। तो 1.2 2.4 इज इक्वल टू 1 टनेज, ये एक सिंपल सा जो है थंब रूल है टाइप का है। सही है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो पाइप साइज़ होगा चिल वाटर सप्लाई और रिटर्न का क्या होगा, जैसे हमारे पास दिया हुआ है कि 12 हमारे पास आ रहा है, ठीक है, 12 GPM, तो हमारे पास एक चार्ट है ये जो हमें एशरे की तरफ से है, हमारे पास चिल वाटर साइजिंग एशरे स्टैंडर्ड है। ठीक है, अगर हमारे पास डाया लेस देन और इक्वल टू 2 इंच है तो हम इसको 4 फीट पर सेकंड पे ले लेंगे। ठीक है, तो लेस देन 4 फीट पर सेकंड पर लेंगे। इफ हमारे पास ग्रेटर देन 2 इंच है तो हम क्या करेंगे, आपका 4 फीट पे 100 फीट पर लेंथ पे ले लेंगे। ठीक है, तो ये भी मैं इसको कैलकुलेटर में करके दिखाता हूँ किस तरह होगा ये। तो आप देख लें हमारे पास क्या आ रहा था, 12, तो 12 हमारे पास ये अप्रोक्सीमेट यहाँ से 8 to 14 है। ठीक है, 8 to 14, तो ये हमारे पास 1, अगर आप इसको वेरियल में लेते हैं तो आपके पास तकरीबन आपके पास ये आ जाएगा 8.1 से लेके 4 तक इसका मैक्सिमम रेंज दिया हुआ है। ठीक है, पाइप का सही है, एज़ पर देख लें आप ये वाटर फ्लो GPM दिया हुआ है
14 से 20 तक, सही है, हमारे पास 8 टू 14 के 12 GPM है। तो हम इसको अगर 5 mm में लेते हैं तो mm में ये हमारे पास आ रहा है 32, ठीक है, 32 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर देख लें अगर हमको नहीं आ रहा, 32 आ रहा है, ठीक है। और इसमें हमारे पास 1/1.4 आ रहा है, ठीक है, इंचेस में। तो हम 32 ले लेंगे इसका, तो जो सप्लाई होगा इसका 32 आ जाएगा और इसका भी हमारे पास जो है सप्लाई 32 और रिटर्न 32, दोनों के जो है पाइप साइज 32 हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हमारे पास एक कैलकुलेटर है एमसीक्यू के नाम से, इस कैलकुलेटर को आप यूज़ कर सकते हैं, या आपको मैं लिंक दे देता हूँ, आप इसको डाउनलोड कर लें mcqs.com में, ये आपको मिल जाएगा ये कैलकुलेटर, यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है फॉरनाइट्स में 50 पे रखते हैं, ठीक है, आप याद रखिएगा 50 पे रखते हैं। चिल वाटर स्केजुअल्स में पाइप स्टील पाइप यूज़ करते हैं तो 40 पे करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 12 GPM है, तो 12 GPM हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ये कितने इंच का पाइप हमने वहाँ पे रखा था आपको याद होगा, अगर हम दोबारा इस लेक्चर पर जाएँ तो हमने यहाँ पे तकरीबन 32 आपका और 1/1.4 का रखा है, ठीक है, 32 का रखा है। तो इस पर हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि इसमें क्या आ रहा है हमारे पास। तो ये अच्छा, हमारे पास जो वैल्यू है एशरे की, इसको भी ज़रा देखना पड़ेगा कि ये अगर इज इक्वल टू और लेस देन है, ठीक है, अगर ये आपके पास 2 के बराबर आ रहा है या लेस देन है तो हमें आपके पास फीट पर सेकेंड पर देखना है, ठीक है। तो फीट पर सेकंड के पास फ्लूइड वेलोसिटी आपके पास दी हुई है, ठीक है, और आपका हेड लॉस आपके पास जो 100 पे दिखा रहा है वो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है हेड लॉस की, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने 12 हमारे पास GPM था, हमारे पास जो 5 टन का पाइप का था तो हमने यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ पे हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हाफ इंच का पाइप है तो ये इसकी वैल्यू बहुत है, ये नहीं आ रही, ठीक है, इसकी वैल्यू भी आपके पास हेड लॉस भी बहुत ज़्यादा जा रहा है। इसको 3/4 कर लेते हैं, 3/4 में यहाँ पे हमने 12 कर दिया, यहाँ पे भी हमारे पास वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भी हमारे पास लॉस नहीं आ रहा, ठीक है। हमें ये देखना है बेसिकली लेस देन 4 होना चाहिए, ठीक है, तो क्योंकि ये 2 इंच से कम है, ठीक है। तो अब ये 1 इंच करते हैं, तो 1 इंच पे हमारे पास 12 है, तो अभी भी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, 4 से लेस चाहिए। अब इसको क्या करते हैं 1/4 के 1/4 जैसे हमने दिया 12 इंच यहाँ लिखते हैं तो ये 2.57 आ गया, ठीक है, तो बिल्कुल ये एक्यूरेट है, आप देखिए 2.57 आ गया। हमें इसको देखना है क्योंकि लेस देन 2 है ना ये, ठीक है, तो एज पर एशरे हमारे पास लेस देन 2 है, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई तकरीबन आपके पास वैल्यू आ गई 1.14, तो 1.4 ये वो एग्जैक्टली हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं, हमारे पास 1.4 ये आ रहा था 12 में ये, और ये आपके पास 32, ठीक है, ये 1.4 बिल्कुल एक्यूरेट है। आप इस शीट को भी फॉलो कर सकते हैं अगर चाहें तो, ये ऑटोकैड की फाइल और ये जो डाटा है ये मैं टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा, तो लिंक उसका अवेलेबल है, तो वो फाइल आपको यहाँ से मिल जाएगी, तो वहाँ से भी फाइल को आप चार्ट को और ड्राइंग को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें होंगी इसमें। तो ये एक सिंपल सा था, हम किसी प्रोजेक्ट को देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, तो हम इस प्रोजेक्ट को देख लेते हैं, जैसे ये प्रोजेक्ट है हमारे पास, तो अगर ये देखें हमारे पास 3/4 है, 3/4 का इसमें डाया दिया हुआ है, एफ सी यू लगा हुआ है हमारे पास, तो ये डाया किस तरह निकाला 3/4 का, देखिए हमारे पास कितना सी एफ एम है इसमें, हमारे पास ये 500 सी एफ एम है, ठीक है, क्या कह रहा है 500 ईच डिफ्यूज़र्स, ठीक है, तो हमारे पास 500 और 500, तो 500 और 500 कितने हो गए, ये हो गए 1000, ठीक है, 1000 CFM हो गए, तो 1400 CFM पे हमारे पास कितना है 1 टन है, ठीक है, 400 CFM पे 1 टन है, तो 800 CFM हो गया, ठीक है, 800, और ये 2.5 टन हो गया, ठीक है, 1000 है ये, तो 400 200, तो ये हमारे पास 3 में डिवाइड किया तो हमारे पास 2.5 टन आ गया, ठीक है, 2.5 टन, अब ये 2.5 टन हमारे पास आ गया, ठीक है, 2.5 टन है हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यू जो आ रही है उसका हम डेटा निकालना है, तो हम कॉपी करके मैं लिख देता हूँ,
इसका आप जीपीएम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल है, ये आपके पास आ गया 2.5 टन, ठीक है। अब ये कितना जीपीएम होगा, तो हमें पता है 1 टन इज इक्वल टू 2.4 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.4 इज इक्वल टू 1 टन, 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 6 जीपीएम आ गया इसका, ठीक है। हमारे पास जो वैल्यू है इसकी 6 जीपीएम है, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2.5 टन के लिए 6 जीपीएम, ठीक है। 6 जीपीएम के लिए हमारे पास ये एशरे का चार्ट क्या कह रहा है, जरा देख लेते हैं यार के चार्ट पर, पहले चार्ट पे आ जाए। तो हमारे पास 5 to 1 8 जीपीएम जो है हमें कह रहा है कि 1 इंच है, ठीक है। ये 25 1 इंच इज इनफ, ठीक है। लेकिन इसमें भी ऐसा ही है, अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो इसको 3.4 इंच दिया हुआ है, चलें ये भी एक्सेप्टेबल है, कोई ऐसा इशू नहीं है, इसमें इतना फर्क नहीं पड़ता 3.4 में और 1 में इतना फर्क नहीं है इंच में, ठीक है। तो पाइप अवेलेबल नहीं होता तो उसको कर लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 जीपीएम आ गया, यहाँ कर लेते हैं, ये देखिए लीटर पर सेकंड पे हमारे पास एस कैलकुलेटर, हमारे पास ये वैल्यू बिल्कुल सही आ रही है 3.4, ठीक है। अगर यहाँ पे हम हमारे एशरे के मुताबिक हम 1 इंच देते तो 1 इंच भी सही है, ठीक है। दोनों वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे हमने क्या किया, 6 लगा दिया, तो ये भी हमारे पास देखें 2.3 आ रहा है और ये भी दोनों एक्सेप्टेबल है। 3.4 इज बेटर है, अगर 3.4 हम दे देंगे इज मच बेटर, 3.6 नियर अबाउट आ रहा है, ठीक है, सही है। और अगर हम ये हमारे पास कैलकुलेट हो गया, अब देखें ये मेन पाइप है, इस पे तकरीबन हमारे पास 6 जीपीएम, ठीक है। और जो है अगर आप कोई मेन पाइप ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिफाइंग है, ये एक मेन पाइप है, ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, अगर ये दूसरे ड्राइंग में दिखाता हूँ, ये हमारे पास पाइप आ रहा है, ठीक है, जिन पर सप्लाई और रिटर्न किया है, ठीक है। ये बॉल वगैरह लगी हुई, ये 80 इसका डाया आ रहा है, ठीक है, 80 डाया। तो इसमें हमारे पास तकरीबन जो है 27 FCUs लगे हुए, अगर आप देखेंगे 1 2 3, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26 FCUs, अगर मैं काउंट करूँ टोटल, इसमें हमारे पास 26 FCUs है, ठीक है। तो अब 26 FCUs के लिए मैंने यहाँ पे 80 लिया है, तो 26 FCUs अगर हमारे पास, अगर मैं कैलकुलेटर देख लेता हूँ, तो अब एशरे पे जाते हैं, पहले इसमें देखते हैं 4 इंच पाइप आ रहा है, 100 कट है, सही, यहाँ पे 80 है। तो वो समझ लें कि कुछ FCU 1.4 की भी लगे हुए हैं, 1.5 की भी लगे हुए हैं, कुछ मैंने 2 आ रखा था एवरेज, तो कुछ उसमें कम भी है। तो उसमें आप अप्रॉक्सीमेट रख लें कि उसमें 110 आप रख लेंगे FCU जो आपका GPM आ रहा है, तो वो 80 रखा हुआ है यहाँ पे, देखें आप 80 रखा हुआ है रेंज। तो हमने उसको कितना रख लिया, 104 रख लेते हैं उसको, ठीक है, 104, सही। तो आप यहाँ पे देख लें 104, ठीक है, 104, और पाइप डाया हमारे पास 3 इंच देखते हैं 104 पे, 3 इंच 75 का हमारे पास ये 4.15, थोड़ा फिर यहाँ पे जो है इसको हम
इसे एक्सटेंड कर गया है, अभी हमने इसमें देखना है, ठीक है, ये आपका 2.6, तो ये 3.5 ले लेते हैं, तो हमारे पास इसका हेड देखना है हमें बेसिकली, ये 2.5 पे आ रहा है, इसको हम 4 इंच पे चले जाए, 4 इंच पे 104, तो ये आपका हेड जो लॉस आपका आ रहा है 4 इंच तकरीबन 100 हो गया हमारे पास, इसको हम 3.5 पे ले लेते हैं, ठीक है, 3.5 में हमारे पास 104 आ गया, ये बिल्कुल एक्यूरेट 3.5 आ रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट है, 9 ये हेड लॉस ज़्यादा हो रहा है, अगर हम इसको 3 इंच में करते हैं, 3 इंच पे 104, 2.6 सही है, ये 3 इंच भी चल जाएगा, 104 पे अगर 3 इंच भी लगाते हैं तो इसी तरह ये सो कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है, तो ये तकरीबन 80 ले लिया उसने, 3 इंच ले लिया उसने, ठीक है, तो ये 3 इंच का मतलब ये है कि हमारे पास अगर आप देखेंगे 3 इंच में हमारे पास 375 का नहीं आता इसमें, 80 है ये, ठीक है, 3 इंच 104 के लिए हम 3 इंच ले लेंगे इसमें, तो आप इसमें देखें ये हमने 3 इंच लगाया था बिल्कुल सही है, अगर इसको मैं 2.5 इंच कर देता हूँ यहाँ से कम करता हूँ 104 करता हूँ 7 तक चला गया है, ये वैल्यू 7 तक चली गई है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, 3 इंच ले लेंगे क्योंकि हमें नीचे वाला देखना है, हेड लॉस देखना है क्योंकि एज पर द एशरे तो फीट पर सेकंड में, ठीक है, ये आपका 2.5, ठीक है, 3 इंच पे हमने 104 लगाया, तो ये हमारे पास 2.6 आ गया, बिल्कुल एक्यूरेट है, ये हमारे पास तकरीबन हमारे पास जो वैल्यू है इसकी 80 है, बिल्कुल एक्यूरेट हो गया, समझ पे आ गई बात, ये इसके अंदर हम इसका लगा दिया, इस तरह बस ये डिस्ट्रीब्यूशन करते रहेंगे तो आप करते रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 एफ सी में ये 25-25 1 इंच की हो सकता है, 2.5 टन के लगे हुए 2.5 टन मेरे पास 32 इंच आ रहा है, तो हम करके देख लेते हैं, तो ये तकरीबन 2.5 6 आ गया, ठीक है, 6, तो 6 के लिए क्या कह रहा है ये, हम AutoCAD पे आ जाए करें, AutoCAD पे आ जाए करें, 6 GPM के लिए हमारे पास क्या है, तो ये 528 है, 1 इंच, ठीक है, बिल्कुल एक्जेक्टली 1 इंच, ठीक है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है हमारे पास, दोनों को मिला के हमारे पास 32 आ रहा है, उसको सब 5 इंच आपके पास चाहिए, 5 इंच या 5 इंच चाहिए, टाइटन टाइटन दोनों का टाइटन का ये आप इनको कैलकुलेट कर लें, 6 ये 5 टन आ गया, 5 टन का आपको मैंने बताया था इनटू 2.4 ये 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ गया, तो 12 के लिए पहले भी हमने वैल्यू निकाली थी, तो 12 हम एशरे की चार्ट में देखें GPM हमारे पास 5-8 है, ये 8-12, ये हमारे पास 32, देखिए एक्सेक्ट 32 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 32 लगा हुआ है, कैलकुलेटर में भी देख सकते, देख लेते हैं हमारे पास जो MCQs का कैलकुलेटर है, ये MCQs.com से आपको मिल जाएगा, ये आप कैलकुलेटर में देख लेंगे MCQs.com में मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 12 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 32 का आ रहा था, इसको 1 इंच पे देखते हैं 12 को पहले, ये 4.5